राधे राधे एवरीवन, जय श्री श्याम, जय श्री राम। मेरा नाम है कृष्णा कर एंड यू आर वाचिंग फूडी ब्रदर्स एके। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले मार्केट, जो मुझे लाइट मिले कि थोड़ा आज मेरा पेट हैवी हो रहा है, लेकिन रिव्यू तो करना है हमको यार, चैनल चलाना है। तो जो भी लाइट मिलेगा खाने को हम वो खाएंगे और उस चीज़ का रिव्यू देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू देते ही हम। तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा मिनी ब्लॉग है, मैं वीडियो कॉन्स्टेंट नहीं बना पाता हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो आती है। होपफुल एक लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अभी इस शॉर्ट में एंजॉय करें। थैंक यू। तो हेलो गाइस, अब कॉफ़ी आ चुकी है हमारी, कोल्ड कॉफ़ी। हमने जो हमारी पहली मील है वो आ चुकी है, उसको टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। गाइस बहुत स्वाद है भाई, मतलब अमेजिंग। मैं अगर आप 11 आते हो ना तो कोल्ड कॉफ़ी से ज़रूर मंगाना, क्योंकि लोग कहते हैं घर पे आके घर पे बना लेंगे। भाई नहीं, घर पर वो स्वाद नहीं आता जो यहाँ पे आया। मेरे ख्याल से मुझे तो पर्सनली बहुत टेस्टी लगी, मैं जब भी आऊँगा मैं तो ये मंगाऊँगा। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि 11 आओ तो कोल्ड कॉफ़ी तो एटलीस्ट ज़रूर मंगाओ, क्योंकि बहुत टेस्टी बनाई उन्होंने। तो गाइस, मैं सेकंड मिल आ चुकी है, जैसा आप देख रहे हैं हक्का नूडल से है। अब मैं ट्राई करके बताता हूँ कैसे है। तो स्पाइसी है, जो स्पाइसी लवर है ना, मैं कह रहा हूँ अरे खाओ। तो स्पाइसी है, बहुत टेस्टी है। सॉय और जो अदर मसाले जो अदर एकदम हिसाब से डाले मैंने, ये नहीं कि कोई मिर्च ज़्यादा डाल दी हो, कुछ और ज़्यादा राजो नहीं, एकदम परफेक्ट है, एकदम इक्वल क्वांटिटी में। तो मैं कहूँगा ये भी बहुत अच्छी है, मतलब 10 out of 8 तो कह सकता हूँ मैं इसको। कि आप आओ तो आपका जो मनी है वो वेस्ट तो नहीं होगा, बहुत टेस्टी है। गाइस, जैसे मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं कुछ लाइट खाऊँ, यहाँ का खाने इतना टेस्टी लगा, लाइट तो खाया नहीं मैंने, भर के खा लिया और पूरा हक्का नूडल्स खा गया, पपड़ी टिक्का और बना लिया और कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास खाली जो कर दिया। तो मैं तो वही खाऊँगा, मुझे बहुत पसंद आया भाई, मैं कहूँगा 11 सौ यार, बहुत अच्छा। पर इस सर्विस बहुत ज़्यादा ही फास्ट, सर्विस भी इम्प्रेस, सर्विस ने भी इम्प्रेस किया और स्टाफ भी जो है हमको सर्व अच्छे से करते, मतलब सर्व इन द सेंस टॉक, उनका टॉकिंग बिहेवियर और हमको ट्रीट करने का तरीका, वो सब बहुत अच्छे तरीके से करते। मैं तो पर्सनली कहूँगा कि 11 में मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको भी आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, सबको मिलता है और भी गेस्ट उनको भी ऐसे ही मिल रहा है। थैंक यू। तो गाइस, उन्होंने देखो कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं हमको, कितने अच्छे से सजा के दिया, आपको भी देंगे। ऐसे नहीं हम वीडियो बना देते, ऐसे ही सजा के मिलेंगे। टेस्ट करके बताते हैं कैसे पनीर टिक्का हमारा, थर्ड मील है हमारी, तो फाइनल मील है। गाइस बहुत जगह गए होंगे, कभी दिक्कत हो जाती, परफेक्ट बेक भी नहीं होता, परफेक्ट बेक है। क्रिस्पी पनीर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है जो बहुत अच्छा लगता है, स्पाइसी परफेक्ट है मेरे ख्याल से। मतलब जितना जो हमने 3 मील मंगाए, हमने कोल्ड कॉफ़ी, हक्का नूडल्स और पनीर टिक्का, सब बेस्ट है भाई मेरे ख्याल से। अगर तुम आओ तो स्टार्टर्स ज़रूर ट्राई करो, बहुत अच्छा है, ड्राइवर्स आके पैसा वसूल होगा और यहाँ का मसाला डोसा भी अच्छा है। तो अगली बार रिव्यू करेंगे हम अगले टाइम कभी और, अभी हमारा पेट डन हो चुका है, फुल पेट है हम तो इतना करा। लेकिन जो भी मिला हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और मैं तो कहूँगा भाई 11 आओ खाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सब, पनीर टिक्का की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, हम खाते खाते थक गए, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करी हमने खा लिया। 8 पीस मिलते हैं, मेन्यू आपको दिखाई दिया मैंने, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और भी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम कोशिश करेंगे आगे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।